कितने आदिवासी आपको मिलेंगे जज, कितने आदिवासी मिलेंगे आपको वकील, कितने आदिवासी मिलेंगे आपको जर्नलिस्ट, कितने आदिवासी मिलेंगे आपको आईएएस आईपीएस। हमसे अधिक लंबे समय तक तो इन लोगों ने इस राज्य में राज किया और मैं इनको चुनौती देता हूं इसी प्रभात तारा मैदान में आकर के हमसे डिबेट कर ले इन लोगों ने इतने वर्षों में क्या किया और इस चुनौती भरे पांच साल में हमने क्या किया है, उनको हम हिसाब देने के लिए तैयार। 8,000 से भी अधिक नौजवानों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। जब आप कोई काम करते हैं और उस काम का परिणाम बहुत आपके सोच के अनुरूप आता है तो मन को उत्साह प्रदान करता है। हमने कई नौजवानों को नियुक्ति पत्र ऐसे ही अलग अलग समारोह के माध्यम से अलग अलग कोने से आए हुए बच्चे बच्चियों को दिया। झारखंड के अलग अलग उद्योगों में नियुक्तियां मिली। मुझे अभी 5 महीने का जेल का भी दृश्य देखने को मौका मिला। कहते हैं ना कि जाको राको साइया मार सके ना कोई, कितना षड्यंत्र करेगा। तो हमें उनसे और ऐसी चीजों से ना कभी डर लगा था, ना डर है, ना कभी डर लगेगा। हम अपने कामों को अंजाम तक कैसे पहुंचाना है ये भी जानते हैं और इनसे कैसे लोहा लेना है ये भी जानते हैं। ये चलेगा सहमत का खेल, लेकिन आप लोग आश्वस्त रहें, आपके लिए और इस राज्य के नौजवान आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा वो सोच नहीं है, वो नीतियां नहीं है कि इस राज्य के नौजवानों के, इस देश के नौजवानों के हक अधिकार को छीन लो। वो सोच, वो नीति हमारी नहीं है। आज हमारे विपक्ष के नेतृत्व की सरकारें देश में क्या व्यवस्था ला रही है, हर एक चीज निजीकरण की ओर जा रही है। कॉरपोरेट के हाथों सारी चीजें सौंपी जा रही है। नतीजा, नौकरियां खत्म हो रही है। देश में नहीं, अलग अलग दुनिया में भी उद्योग स्थापित हुई, लेकिन आज इसकी हालत क्या है देख लीजिए। मुझे जो लगता है जब ये उद्योग बना होगा उस समय 25-30 हजार से कम लोग नहीं काम करता था यहां पर, लेकिन आज की स्थिति 10-11 हजार भी आदमी है कि नहीं है ये भी बड़ा मुश्किल है। और उनको भी तनख्वाह कितने वर्षों में मिलता है कि नहीं मिलता है, आए दिन बेचारे सड़कों पर उतरे रहते हैं। इस उद्योग को बचाने का काम किसका है? इस उद्योग को बचाने का काम राज्य सरकार का नहीं है और राज्य सरकार के क्षमता के भी बाहर है। अगर एचईसी भारत सरकार झारखंड राज्य को सपोर्ट कर दे तो एचईसी में जिस तरीके से 32,000 लोग यहां रोजगार करते हैं उतना लोग फिर से इस एचईसी परिसर में रोजगार करते हुए आपको कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की प्रजा हमेशा भिखारी होगी। तो कमोवेश देश की स्थिति आज वही है। एन केन ऐसे कानून लाना जो इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, गुरुआ, शिक्षित नौजवानों के लिए आज सारे उद्योग बंद कर दो, सारे नौजवान सड़क पर आए दिन नौकरी को लेकर धरना प्रदर्शन अलग अलग तरीके से विरोध करते हैं, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंगता। सबसे अधिक राज्य सरकारों पर पड़ती है। यथासंभव हमने प्रयास किया कि इस राज्य के नौजवानों को अधिक से अधिक कितनी तरीके से राहत दी जा सके उसकी प्रयास हो।
चाहे वो रोजगार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे स्वरोजगार हो, अलग अलग माध्यमों से। हमसे अधिक लंबे समय तक तो इन लोगों ने इस राज्य में राज किया और मैं इनको चुनौती देता हूं इसी प्रभात तारा मैदान में आकर के हमसे डिबेट कर ले, इन लोगों ने इतने वर्षों में क्या किया और इस चुनौती भरे पांच साल में हमने क्या किया है, उनको हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। और वो भी इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचने के बावजूद क्या नहीं किया इन लोगों ने। आदेश आया न्यायालय का, उससे उनको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन अभी भी शांत नहीं है, ये शांत रहेंगे भी नहीं, इनकी प्रवृत्ति ही वैसी है, इसलिए ये अपने आचरणों से बाज नहीं आएंगे। लेकिन उसकी हमें फिक्र नहीं है, चिंता भी नहीं है, वो अपने आचरणों से बाज नहीं आते तो हम भी अपने आचरणों से बाज नहीं आएंगे, हम भी अपना काम करते रहेंगे। आज ये प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां शिक्षा का लगभग नहीं का इस राज्य को मूल रूप से मजदूर प्रदेश के रूप में जाना जाता रहा है। ये तो हमारे कुछ मिशन भाइयों के बदौलत कुछ शिक्षा संस्थाएं बनी जहां तहां, उनके वजह से कुछ लोगों ने शिक्षा ग्रहण की। कितने आदिवासी आपको मिलेंगे जज, कितने आदिवासी मिलेंगे आपको वकील, कितने आदिवासी मिलेंगे आपको जर्नलिस्ट, कितने आदिवासी मिलेंगे आपको आईएएस आईपीएस। अगर हम पूरा देश से भी अगर हम आदिवासियों के समूह में अगर हम लोग उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को ढूंढ के लाएं तो प्रभात तारा मैदान का एक कोना भी नहीं भर पाएगा। शायद नीति निर्धारण पूर्व में इस तरीके से हुआ कि बिल्डिंग बना दो तो अपने आप शिक्षा आ जाएगा, ये तो अजीब हालत है। ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। और हमने जेल जाने से भी पहले कहा था, वो सारी छात्रावास रिपेयर की स्थिति में थे, मैंने कहा जब ये कंप्लीट होगा तो अब इन हॉस्टलों में जो हमारे गांव देहात के गरीब बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं उनको घर से चावल लाने का जरूरत नहीं, अब उनको खाना सरकार उसी हॉस्टल में। ये देश का पहला राज है जो अपना कर्मचारियों के लिए पुराना पेंशन लागू किया जो आपको भी मिलेगा। केंद्र सरकार की नियुक्तियों में होते नियुक्तियां पहले तो मिलती कि नहीं मिलती अलग चुनौती, मिल जाने के बाद उसके बाद का भविष्य क्या होगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आज के दिन में जिस बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिलता है तो इस राज्य में इस देश में इतनी गरीबी है कि उसका बेटा भी बूढ़ा बूढ़ी को छोड़ देता है। कि अब सरकारी स्कूल भी अब प्राइवेट स्कूल के बराबर और उसी के हम समतुल्य चले।